हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए बात करें कि गूगल शीट पर हम कैसे एक बिल बना सकते हैं, यानी कि गूगल शीट का यूज करके हम बिलिंग सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो आपको सिंपली ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। ब्लैंक ये जो डेटाबेस दिख रहा है इस पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल शीट डिस्प्ले हो जाएगी और यहां पर आपको करना है काम, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो जिस शॉपिंग मॉल की बात कर रहे हैं हम, जिस दुकान की बात कर रहे हैं उस दुकान का नाम यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कराएंगे। मर्ज कहां से कराएंगे, पहले तो सिलेक्शन कर लीजिए इतने पार्ट्स का, जितने पार्ट की आपको जरूरत हो, जितने में लगता हो कि आप पूरा नाम लिख सकते हैं उतने पार्ट का सिलेक्शन कीजिए और यहां से करा लीजिए इसको मर्ज, ठीक है। तो यहां से इसको कराएंगे मर्ज, तो मर्ज ऑल पे क्लिक कीजिए और ये मर्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग मॉल का नाम लिख दीजिए सिंपली, ठीक है। तो यहां पे क्लिक कीजिए और लिखिए जैसे मैं लिखता हूं, द शाइनिंग इंडिया मार्ट आर्ट, ओके। तो ये लिख दिया हमने। अब देखिए इसकी साइज बड़ी छोटी है, ठीक है। इसकी साइज को बड़ा करने का, अब एक्सेल में था तो बहुत आसानी से कर सकते थे, पहले बोल्ड कर लेते हैं। सेंटर में अलाइन करना है, तो सेंटर में अलाइन करने के लिए आपको यहां आना है, क्लिक करना है और यहां से सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये शाइनिंग इंडिया मार्ट आपको दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, थोड़ी साइज और इंक्रीज करते हैं हम इसकी, 36 कर देते हैं साइज, और यहां से एरिया जो है ड्रैग करके बढ़ा लेते हैं, ठीक है। थोड़ी एरिया और बढ़ा लेंगे हम, ठीक है। तो ये शाइनिंग इंडिया मार्ट अब सही से दिख रहा है हमें। तो ये हमारा हो गया टाइटल, यानी कि ये हमारे दुकान का नाम हो गया। इसको सबसे पहले तो हम इसमें बॉर्डर वगैरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां पर आएंगे और सबसे पहले हम बॉटम वाला बॉर्डर, ये जो आपको दिख रहा है इसको लगा देंगे। इसको लगाने के बाद अपर, तो ये अपर लगा दिया, फिर लेफ्ट और राइट भी लगा देंगे हम। तो लेफ्ट और राइट भी हमने लगा दिया, अब ये इस तरह से दिखेगा। अब हमको सिंपली यहां पर डेट लिखना है, डेट। तो यहां पर लिखूंगा डी ए टी ई, डेट। तो यहां पर डेट हम लिख देंगे, यहां पर डेट आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर आएगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं एम ओ बी आई एल ई, मोबाइल, ठीक है। तो यहां पर मोबाइल नंबर हम दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें नीचे कस्टमर का नेम देना है, ठीक है। तो यहां लिखूंगा कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। तो यहां से कस्टमर का नेम आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर नेम के लिए थोड़ा सा इसको हम मर्ज करके और इसको थोड़ा चौड़ा कर देंगे, विथ इसकी बढ़ा लेंगे। तो विथ कैसे बढ़ेगी, विथ बढ़ाने के बजाय हम इसको मर्ज करा लेंगे, तो ये दोनों कॉलम से एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो ये काफी चौड़े हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी विथ बढ़ानी है, तो हमें सिंपली इसको मर्ज करा देना है, ठीक है। तो ये विथ इसकी बढ़ जाएगी, ये कस्टमर नेम हो जाएगा, ठीक है। अब ये कस्टमर नेम जो लिखा हुआ है इस पूरे को हम इतना पार्ट, ये पूरा पूरा ही मर्ज कराएंगे, ठीक है। तो यहां मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मर्ज हो चुका है। अब हमको इधर का पार्ट भी मर्ज कराना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हम पूरा सेलेक्ट करके और यहां से करा देंगे इसको मर्ज, ठीक है। तो इसको भी हमने मर्ज करा दिया। अब हमको नीचे का भी पार्ट मर्ज कराना है, इस कॉलम को हम थोड़ा विथ इसकी चौड़ी रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे मर्ज पे क्लिक किया हमने और देन इसको भी सेलेक्ट करके इस पे भी हम मर्ज पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी हमारा मर्ज हो जाएगा। तो ये कस्टमर वाला कॉलम हमारा बन चुका है, ठीक है। अब कस्टमर के एड्रेस वाला कॉलम, ठीक है। तो एड्रेस के लिए भी हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं इसका सिलेक्शन करके और यहां से इसको मर्ज करा देते हैं। तो ये एड्रेस लाइन वन हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस काफी बड़ा होगा तो एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू करके हम लिख सकते हैं। फिलहाल हम एक ही एड्रेस ऐसे ही रखते हैं और यहां पर हम दे देंगे पिन, ठीक है। तो पिन कोड या जो भी हमारा है जिप कोड बाहर के लिए, पिन कोड यहां के लिए। तो यहां से हम क्लिक करेंगे, ये हमारा हो गया मर्ज और यहां पर हम दे सकते हैं पिन कोड। तो इसको भी सिलेक्शन में लेते हैं और यहां पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पिन कोड वाला कॉलम आ जाएगा और यहां से हम इसको मर्ज करेंगे तो पिन कोड यहां पे लिख पाएंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं पिन कोड, ओके। तो यहां पिन कोड हम लिख पाएंगे, ठीक है। और यहां पर पिन कोड आएगा हमारा, ठीक है। ये तो पिन कोड वाला हमारा जो हमने लिखा टाइटल वो पिन कोड यहां पे आया और यहां पे हम पिन कोड लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली नीचे आना है, ठीक है। मोबाइल नंबर हम दे चुके हैं, डेट दे चुके हैं, एड्रेस भी दे चुके हैं, ठीक है। बिलिंग, ठीक है, ये दे दिया हमने, यहां पर बिलिंग का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब हमको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आ गए, यहां पर हम आइटम नेम्स वगैरह दे सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर का कॉलम बना लेते हैं। तो यहां लिखा हमने सीरियल नंबर
और यहां पे लिखेंगे आइटम नेम, तो इसको हम दोनों को मर्ज करा लेते हैं ताकि आइटम नेम अगर बड़ा होगा तो यहां पे हम दे सकते हैं, ठीक है। आइटम नेम ये दे दिया हमने, ठीक है, और आइटम नेम देने के बाद यहां पर सिंपली दे देंगे यूनिट सॉरी प्राइस, आइटम की जो प्राइस है, और यहां पे दे सकते हैं हम यूनिट, ठीक है, यूएनआईटी यूनिट दे दिया। अब हमको टोटल करना है तो टोटल के लिए एक और कॉलम चाहिए, तो यहां पर आप घबराया नहीं, यहां पे जाएं राइट क्लिक करें, लेफ्ट में हमें चाहिए तो बिल्कुल लेफ्ट में चाहिए, तो लेफ्ट में एक कॉलम हमने और इंक्रीज कर दिया, ठीक है, बना दिया एक एक्स्ट्रा कॉलम ले लिया, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, और यहां पर भी जो आइटम नेम वाला कॉलम है यहां पे जो हमने मर्ज कराया है इसको भी थोड़ा थोड़ा दोनों कॉलम्स को हम छोटा करेंगे, ठीक है, इतने बड़े कॉलम्स की जरूरत नहीं थी लेकिन ले लिया कोई बात नहीं। तो यहां पे हमने छोटा कर लिया कॉलम्स को, अब ये इस तरीके से हमारा बिल दिख रहा है। सिंपली हमें क्या करना है, हम कट करके पेस्ट कर देंगे, यहां पर लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया यूनिट हमारा, और यहां पे हम टोटल कॉस्ट लिखेंगे या टोटल प्राइस लिखेंगे, टोटल कॉस्ट कर देता हूं मैं, ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, इस पूरे का सिलेक्शन करना है, ठीक है, यहां से इतने पार्ट का सिलेक्शन किया हमने और सेलेक्ट करके और यहां पर आकर के, और सबसे पहले तो हम लेफ्ट बॉर्डर बनाएंगे, फिर राइट बॉर्डर बनाएंगे, फिर अपर, फिर डाउन, यानी बॉटम बॉर्डर बना लिया हमने, तो ये इस तरीके से हमारा बिल देखने में आएगा, ओके। अब यहां पर हमको मोबाइल नंबर देना था, यहां पर हमने क्या किया है, इसको मर्ज नहीं कराया है, तो इसको भी हम मर्ज करा लेंगे, तो ये मर्ज हो गया, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये डेट वाला कॉलम, इन दोनों को हम मर्ज करा लेते हैं यहां से, तो यहां से इसको भी हम मर्ज कराएंगे, तो इसको भी हमने मर्ज करा दिया डेट, ठीक है, कस्टमर नेम भी मर्ज है, ये भी ठीक है, पिन कोड भी सही है, सब कुछ अब सही होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर ये जो दिख रहा है इसको हमें करना है थोड़ा सा, और इन दोनों कॉलम्स को हम मर्ज कराएंगे, ये जो दोनों कॉलम है एक एक करके हमें मर्ज कराना है, नहीं तो एक ही में ये मिक्स हो जाएगा, तो ये सारे जो ऑप्शन हमने लिखे हैं ये सारे गायब हो जाएंगे, तो एक एक करके आप मर्ज कराएं, ठीक है, इन दोनों को ये हो गया, फिर इन दोनों को ये हो गया, इन दोनों को दिखने लगा। अब हमें क्या करना है, अपर वाला जो बॉर्डर है वो बना लेना है, तो यहां पर गए हम और अपर वाला बॉर्डर हमें लेना है, तो ये अपर वाला बॉर्डर हमने ले लिया, डाउन पहले ही बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सब में एक एक बॉर्डर हमें और भी लगाना है, यानी हमें राइट बॉर्डर बनाना है सब में, ठीक है, तो यहां से राइट बॉर्डर बना लेते हैं हम, ये राइट बॉर्डर राइट, ये यहां पर राइट, तो यहां पर राइट, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन करके तैयार है। यहां पे सीरियल नंबर लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे वन, यहां पे लिखेंगे टू, जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो इसकी ये क्वालिटी है कि इसमें इनेबल फिल हैंडल सर्विस एक्टिवेट रहती है, ठीक है, अगर नहीं एक्टिवेट है तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इन दोनों कॉलम्स को एक एक करके हमें मर्ज कराना होगा, तो यहां से हम कराएंगे मर्ज, फिर यहां से, फिर यहां से एक एक करके पूरा मर्ज करा लीजिए, ठीक है, ग्रैंड टोटल, ओके, तो ये ग्रैंड टोटल आ जाएगा हमारा, ये डी छूट गया यहां पे, लिख देते हैं ग्रैंड टोटल, ओके, तो ग्रैंड टोटल हम यहां पे लेके आएंगे, ठीक है, ग्रैंड टोटल के बाद यहां पर हम जीएसटी भी लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे जीएसटी, आइए देखते हैं, यहां पर लिखेंगे जीएसटी, ठीक है, टू, ठीक है, परसेंट, तो यहां 18.2% के हिसाब से हम जीएसटी लगा रहे हैं, ठीक है, तो जीएसटी का अमाउंट हमने यहां लिख दिया है, इन दोनों को सिलेक्शन करके और फिर इसको भी हम मर्ज कराएंगे, ठीक है, तो ये जीएसटी 18.20% यहां पे आ चुका है, ठीक है, और अब जीएसटी अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होगा, तो इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करके और इसको भी हम मर्ज करा रहे हैं यहां पे, ताकि यहां पे जीएसटी का अमाउंट कितना आया, टैक्स हमारा कितना आया, जीएसटी अमाउंट वो यहां पे निकाल सके, तो यहां पे लिखा मैंने जीएसटी अमाउंट, तो जो भी जीएसटी अमाउंट आएगा वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और ग्रैंड टोटल हमारा यहां पे आएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको पूरा सिलेक्शन में लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, पहले हमें लेफ्ट साइड का बॉर्डर बनाना है, तो लेफ्ट साइड का बॉर्डर हमने क्रिएट किया, फिर हमें राइट साइड का बॉर्डर बनाना है, तो राइट साइड का बॉर्डर भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमें बॉटम का बॉर्डर बनाना है, तो ये बॉटम का बॉर्डर भी हमने क्रिएट किया। अब हमारा पूरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, हमको क्या करना है, इतने पार्ट्स को बॉर्डर बनाना है, अब इसमें भी, तो राइट साइड का बॉर्डर इसमें बनेगा,
तो यहां से हम राइट साइड का बॉर्डर बना लेते हैं, यहां से राइट साइड का बॉर्डर बनाया हमने, फिर इसको भी सेलेक्ट किया, इसमें भी हम राइट साइड का बॉर्डर बना सकते हैं, तो यहां से राइट साइड का बॉर्डर बना लिया हमने, इसमें भी राइट साइड का बॉर्डर, तो यहां से हम राइट साइड का बॉर्डर बना लेंगे, इसी तरह से इसमें भी ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा बिल का एक शेप तैयार हो चुका है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहां पे 10 आइटम आपने लिख दिए हैं और यहां पर आपका ग्रैंड टोटल आएगा, देख सकते हैं यहां यहां पे हमारा ग्रैंड टोटल आएगा, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे बॉटम बॉर्डर बना देंगे, ठीक है, तो बॉटम वाला बॉर्डर यहां से हम बना सकते हैं, तो ये बॉटम वाला बॉर्डर हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जीएसटी जो हमने लगाया, इन दोनों कॉलम्स को हम करा देंगे मर्ज, क्योंकि यहां पर हमें अभी किसी चीज की जरूरत नहीं, ठीक है, इसीलिए इसको हम मर्ज करा देते हैं, ठीक है, तो यहां से हम इसको मर्ज करा देते हैं, तो ये मर्ज हो गया, तो ये जीएसटी हो गया, जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है, जो भी लग रहा है वो यहां पे है, ठीक है। मर्ज कराने के बाद यहां पे ये लाइनें हट जाती हैं, तो आप यहां पे दोबारा से फिर जा करके और लगा सकते हैं लाइन, ठीक है, तो ये जीएसटी हमारा आ गया। अब यहां पे जीएसटी अमाउंट दिया हुआ है, इसको भी हम उसी साइड लेके जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इसको मर्ज कराएंगे, तो मर्ज कराएंगे तो यहां से ये चीज हट जाएगी, तो यहां पे वापस से जाकर के और ये राइट साइड वाला बॉर्डर हम लगा लेंगे, तो ये जीएसटी अमाउंट भी हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं जीएसटी अमाउंट भी हमने सेट कर लिया है। अब यहां पे हमें अमाउंट ही भर कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट हो रहा है ये, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस पूरे डेटा को, इतने डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं और यहां से हम ऑल बॉर्डर बना लेते हैं, यानी कि ऑल बॉर्डर यानी इसका सारा बॉर्डर यहां पर बनकर के क्रिएट हो गया, ठीक है, और यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पर ऑल बॉर्डर इसको भी हम कर देंगे, ठीक है, यहां से, तो ये भी बॉर्डर हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। यहां पर इस बॉर्डर की हमें कोई जरूरत नहीं, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है, यहां पे हमने इसको लिया और इसको हमने मर्ज करा दिया यहां से, ठीक है, इसमें हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको मर्ज करा देते हैं, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये बिल लगभग एक शेप बन करके तैयार हो गया है। अब हमको सिंपली क्या करना है, यहां पे नेम लिखना है आइटम का, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं रेडमी मोबाइल, ठीक है, रेडमी मोबाइल हो गया। प्राइस यहां पर क्या देंगे, जैसे मान लीजिए 6700 रुपए प्राइस है, ठीक है, 6700 रुपए प्राइस है मोबाइल की, और यहां पे 7 यूनिट बिक रहा है, ठीक है, तो 7 यूनिट बिकेगा तो 6700 के हिसाब से यहां पे टोटल प्राइस भी तो आनी चाहिए, तो यहां पे कैसे आएगा प्राइस, यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और फिर क्या करेंगे, प्राइस को सेलेक्ट करेंगे इनटू 7, यानी कि यूनिट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो पहला वाला आप करेंगे तो सब अपने आप आता जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे ये आ गया टोटल प्राइस इसका, और यहां से ड्रैग करते हुए आप आ जाइए नीचे तक, तो ये आ जाएगा, ठीक है, यहां पे नहीं ड्रैग करना है आपको, नीचे तक जहां तक आपका ये बना हुआ है सीरियल नंबर वहीं तक आपको ड्रैग करना है, तो ये आ गया आपका। अब यहां पे ग्रैंड टोटल हमें निकालना है, तो ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू सम, ठीक है, और यहां पे ये पूरा कॉलम जितना आपने लिया है इसको पूरे को सिलेक्शन कर डालिए, तो ये आ गया आपका ग्रैंड टोटल, ठीक है। अभी यहां पे यूनिट हमें जीरो रखनी है, तो यहां पे लिखा मैंने जीरो, इसको हमें यहां तक खींच देना है, तो ये 000 हो गया। अभी यहां पर जो सामान हम लेंगे, जैसे मान लीजिए अभी मैं लेता हूं यहां पे कीबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है, फिर यहां पे ले लेता हूं सैमसंग, सैमसंग कितने प्राइस का होगा वो यहां पे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड की प्राइस है 210 रुपए, ठीक है, सैमसंग मोबाइल की प्राइस है 8000 रुपए, ठीक है, नीचे आएंगे, इसी तरह से कुछ और भी होगा, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप, ब्रैकेट में लिख देता हूं लेनोवो का डेस्कटॉप है ये, लेनोवो लिख दिया हमने, ठीक है, तो यहां पे डेस्कटॉप की प्राइस आ जाएगी, जैसे मान लीजिए 32000 रुपए यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो ये लेनोवो डेस्कटॉप हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब जो भी बिकेगा सामान, अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान हो चुका है काम। अब यहां पे जीएसटी अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली इज इक्वल टू लगाइए, और यहां पे टोटल प्राइस जो है, ये ग्रैंड टोटल जो है उसको सेलेक्ट कीजिए, इनटू लगाइए, और ये यहां पे दिया हुआ 18.20%, इन सारे सामानों पे 18.20% की जीएसटी लग रही है, एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये जीएसटी अमाउंट आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, यानी इतने अमाउंट में से इसको भी हम क्या करते हैं, टॉप बॉर्डर इस पे लगा देते हैं ताकि ये भी सही दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक बिल तैयार कर लिया। यहां पर जो डेट, एक ही सामान हमारा बिका हुआ है, ठीक है,
तो इसीलिए हमने अभी केवल Redmi मोबाइल ही लिया हुआ है। अगर कोई भी अदर सामान बिकता है तो यहां पे आपको सिर्फ यूनिट डालना है, बाकी कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट होकर आती जाएंगी। कैसे आएंगी आइए देख लेते हैं। यहां पे हमने लिखा, जैसे सपोज कीजिए यहां पे हम आए और यहां पे लिख दिया हमने 3, ठीक है। तो जैसे ही 3 लिखा यानी 3 कीबोर्ड बिकी हुई है, तो आप एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पे टोटल कॉस्ट और यहां पे जीएसटी अमाउंट सब कुछ कैलकुलेट होकर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नीचे आप यहां पे दे सकते हैं इस पूरे एरिया को सिलेक्शन करके, और यहां दे सकते हैं थैंक यू फॉर शॉपिंग या कुछ ऐसा मैसेज दे सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा थैंक, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और यहां पे हम इसको सेंटर में अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये थैंक यू फॉर शॉपिंग यहां पे आ गया, और चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहां से बोल्ड कर दिया, और इसकी साइज बढ़ाना चाहे तो यहां से बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा बिल बन करके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे इतने, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे सेंटर में अलाइन करेंगे। तो सेंटर में कैसे अलाइन करेंगे, तो देखिए यहां पर जाएंगे हम और यहां पे क्लिक कर देंगे तो ये सब डेटा सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इस वाले डेटा को हमको थोड़ा बोल्ड रखना है तो इसको बोल्ड कर सकते हैं हम, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसका प्रिंट जब निकालना होगा तो यहां पर राइट क्लिक करके और आपको प्रिंट पे जाना होगा। ये प्रिंट जो दिख रहा है आपको, ये प्रिंट पे जाइएगा और ये आपका पूरा का पूरा बिल यहां पे शो हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको पोर्ट्रेट व्यू में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए ये पोर्ट्रेट व्यू है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर कुछ कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।